मैंने पांच क्या किया कभी ना करें। पहला, कुछ बच्चे की आदत होती है कि पढ़ने के समय अपने मोबाइल को पास में रखना, अर्थात ये गलती हम सरकार की गलती, आप पहले ही गलती आप ना करें। सेकेंड, बहुत लेट पढ़ने के लिए बैठना, जैसे आप अगर लेट से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको क्या शरीर पूरे दिन का थका होना और तुरंत जल्दी ही पढ़ने बैठे तुरंत फिर लेट का आना स्टार्ट हो जाए, ये भी गलती आपको नहीं करनी। पेट भर खा लेने के बाद पढ़ने के लिए बैठना, आप पेट भर खाना भी खा लेते हैं और तब सोचते हैं कि नहीं चलो मैं जाकर पढ़ूंगा तो मेरी पूरी की पूरी बातें दिमाग में आ जाएगी, बातें तो पूरी दिमाग में नहीं आएंगी, पूरी की पूरी बातें आपकी नींद। चौथी गलती है क्या, दिमाग कंसंट्रेट करके तब पढ़ाई करना। कभी कभी होता क्या है कि आंखें किताब पर और दिमाग आज कल और व्हाट्सएप के हिसाब पर, क्लियर। इस प्रकार की गलती भी आपको नहीं करना, दिमाग को कंसंट्रेट करके ही पढ़ाई करनी है कि ताकि आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो वहीं पर दिमाग होगा तो आपके दिमाग में सारी की सारी बातें क्या हो जाएगी, अंदर आ भी जाएगी और उसको रिसेप्टिव भी करेंगे और उससे क्या होगा कि जितनी सारी आप पढ़े सारी बातें आपके माइंड में। क्या करना है कि स्टूडेंट्स की रूम कैसी होनी चाहिए, तो खुद की पर्सनल रूम होनी चाहिए जिसमें कोई इंसान बराबर कोई आना जाना किसी परिवार के सदस्य का या कोई रिलेटिव का आना जाना ना हो, क्योंकि वो अगर बार बार कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आते हैं तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं रह पाता, क्योंकि बार बार वो जब आएंगे तो आपका दिमाग इधर उधर भंग होता चलेगा। इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में पुनः फिर और बातें बताएंगे कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।